अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिल से खुश आमदीद है मेरे YouTube चैनल इशू वंडर किचन में। जी हाँ, सही सुना आपने, इशू वंडर किचन, क्योंकि आज से हमने हमारे चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो चलिए, आज हम बना रहे हैं इन इंस्टेंट पिज़्ज़ा। जी हाँ, पिज़्ज़ा लवर्स हो जाइए खुश, क्योंकि ये हो जाएगा बस मिनटों में तैयार। और ये एक यूनिक रेसिपी है जो हम बनाएंगे खीमे से। मटन खीमे से हम आज पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए, मैंने ये पिज़्ज़ा बेस लिया है क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, या अमूल का चीज़ लिया है जिसे हम ग्रेट कर लेंगे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, टमाटर सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट। और ड्राई मसालों में हम लेंगे काली मिर्ची, ये आधा छोटा चम्मच है, कुट्टी लाल मिर्च ले रहे हैं हम, ये एक चम्मच है, धनिया पाउडर एक चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर छोटा चम्मच आधा लिया है मैंने, हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और ये कुछ सब्जियां ली है मैंने, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्ची, ये दो है, कुछ टमाटे लिए हैं मैंने, इसके बीज निकाल के इसे इस तरीके से कट किया है, और प्याज ये एक है बड़ी साइज़ की, इसे मैंने कट करके पानी में भिगा दिया था। ये पौसा खीमा लिया है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी हमारी। अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे खीमे में, और ये सारे ड्राई मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, ये एक पैन रखा है मैंने गरम होने के लिए। इसमें हम अब ये एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल हमें बिल्कुल कम ही डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये खीमा, का कलर चेंज होए तक हमें इसे भूनना है अच्छे से। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप पानी, इसे गले तक पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम। चेक करते हैं कि हमारा खीमा गला है या नहीं, इसका पानी सारा ड्राई हो गया है। दस से बारह मिनट लगे हैं मुझे, चेक करते हैं ये गल गया है या नहीं। गल गया है ये, अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे हम। फ्लेम अच्छे से गल गया है, दस से बारह मिनट लगे हैं मुझे इसे गलाने के लिए। अगर आप और ज़्यादा जल्दी में हो तो आप कुकर में डालकर दो सीटी दे दें, इससे आपका खीमा भी गल जाएगा और पानी भी इसका सूख जाएगा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए सॉस तैयार करेंगे। टमाटर सॉस में हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, अब हम इसे पिज़्ज़ा बेस पे लगाएंगे। इसे अच्छे से अप्लाई करना है। मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें। अब हम इसमें थोड़ा चीज़ ऐड करेंगे, ये हमारा खीमा डालेंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। जो सब्जियां हमने कट करके रखी थी इसे हम अच्छे से जमा लेंगे। आप इसमें आपकी मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो।
अब हम इसमें ढेर सारा चीज़ डालेंगे। थोड़ा सा ओरिगैनो, मैंने पैन गरम कर लिया है, इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसमें हम पिज़्ज़ा रखेंगे, इसे ढककर पकाएंगे, 2 मिनट तक पकाएंगे, 2 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। एक और मैंने ऐसे तैयार कर लिया है सेम तरीके से, इसे हम ओवन में रख देंगे 2 मिनट के लिए। ओवन भी मैंने प्री हीट करके रखा है, ये ओवन में रख देंगे 2 मिनट के लिए। रेडी है हमारा पिज़्ज़ा, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये काफ़ी गर्म है, अभी तैयार है इंस्टेंट क़ीमा और पिज़्ज़ा, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए, ये ओवन वाला पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी है। मज़ेदार से इंस्टेंट पिज़्ज़ा तैयार है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल इशू अंडर किचन को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आइंदा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।